वोडाफोन सिम को अपग्रेड कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 2G 3G सिम है और उस सिम को आप 4G में करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। सबसे पहले हमको एक वोडाफोन की अपग्रेड सिम कार्ड लेनी पड़ेगी। ये बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैंक है, इसके ऊपर ऐसे कुछ नंबर लिखे होते हैं और इसके अंदर एक सिम होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो उसके ऊपर सिम कार्ड के नंबर लिखे हुए हैं अपने मोबाइल से हम डायल करेंगे वोडाफोन की सिम से। मैसेज में आ जाइए, मैसेज में आके हम मैसेज टाइप करेंगे 555199 के ऊपर हमने ये मैसेज भेजना है और उसके लेटर रहेंगे SIMEX। उसके बाद हमने एक अक्षर का स्पेस देना है और उसके बाद वो सारा सिम नंबर लिख देना है जो हमने वोडाफोन की सिम के ऊपर दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमने वही सिम नंबर लिखना है और इसको भेज देना है 555199 पे। बहुत ही सिंपल है, इसको हम सेंड कर रहे हैं, ये सेंड हो चुका है। ये हमने सेंड कर दिया और उसके बाद हमको एक कंफर्मेशन आएगा कि जो आपकी सिम है ये इनवैलिड, मैंने खुद ही डाला है क्योंकि मेरा सिम ऑलरेडी अपग्रेडेड है, आपने सही नंबर डाल लिए हैं। और उसके बाद आपको कुछ ऐसा मैसेज आएगा, उसमें आधे सिम नंबर लिखे होंगे और बोलेंगे कि खाली की लास्ट सिम डिजिट जो है वो आप एंटर करें। हमने सिम के लास्ट 6 डिजिट उठाने हैं, जैसे मान लीजिए आगे के सारे सिम अक्षर छोड़ देने हैं, ये 8991888 वाले, और सिर्फ आखिर के 364247 ये 6 डिजिट हैं जो ये हमने दोबारा मैसेज भेजना है। इसको सेंड कर देना और सिम अपग्रेड हो जाएगा। 2 घंटे बाद आप ये जो है नया सिम आप चला सकते हो और आपका पुराना सिम बंद हो जाएगा।